उचाना से खबर का रुख करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह का बयान, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पर उन्होंने कटाक्ष किया। जयप्रकाश नहीं थे कभी कैंडिडेट, कांग्रेस के लोग आपस में उलझे हुए हैं, बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। देवीलाल का बेटा हूं, भला करूंगा, ये कहना है रणजीत सिंह का। बीजेपी से हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र के महाग्राम छात्र में पहुंचे। इस दौरान उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। रणजीत चौटाला कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पर खुलकर बरसे और कहा कि ये कैंडिडेट नहीं थे, ये तो बिलाल का बनाया हुआ कैंडिडेट है, ये तो एक टीकाराम के ड्राइवर थे। उन्होंने कहा कि यहाँ शोकंद भी मुझे वोट देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं, तुम्हारा भला करूंगा, मुझे वोट दो। पहले काम में आया हूँ, इस गर्मी में भी इतनी भीड़ में और बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये इलाका जो है ये मोदी बढ़ते बनाए नहीं आते थे। देश की सुरक्षा, देश की आत्मरक्षा के लिए देश को बनाना चाहिए। और भाई मैं आया हूँ, चौधरी लाल का बेटा हूँ, तुम्हारा भला करूँगा, तो मेरा था शोकंदों के 25 नवंबर मुझे पता, मुझे फोन आ रहे हैं धड़ा सर जी। क्या क्या विशेष कारण है, कैसे साथ दे रहे हैं? बस यह एक आपस की गुटबाजी की लड़ाई है, जो शोकंद है वो हमेशा एक तरफ खड़ा रहा है, अब उनके समान फैसले छोटू राम जी के बगैर था मेरे साथ।